अस्सलाम वालेकुम क्लास वन वी होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द वर्कशीट ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन नंबर वन इज़ मेक क्वेश्चन ऑफ़ गिवन स्टेटमेंट ओके स्टूडेंट्स नीचे देखें उन्होंने हमारे पास हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमने क्या करना है इन्हें क्वेश्चन में चेंज करना है ठीक है जैसा कि हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं फर्स्ट वन है हमारे पास ही वॉज़ सैड वो उदास था इसको हम क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे वॉज ही सैड क्या वो उदास था स्टूडेंट्स आपने ये कैसे करना है जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज वॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है हेल्पिंग वर्ब आपने उसे सेंटेंस के शुरू में ले आना है ठीक है वॉज ही सेड कैसे आएगा हमारे पास वॉज ही सैड और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क अब हम बच्चों देख लेते हैं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं आपने इन हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखना है उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने में मुश्किल नहीं होगी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर वॉज और वर और भी हमारे पास बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनमें हैज़ हैब शामिल है लेकिन आपके लेवल पर यही यूज़ होंगे देखिए स्टूडेंट्स अब क्या किया हमने ही वॉज सैड हमने क्या किया हेल्पिंग वर्क को सेंटेंस के शुरू में ले आए तो यह हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंस बन गया कैसे ही वॉज सैड था तो हमने क्या किया वॉज ही सैड वॉज ही सैड और लास्ट पर क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क यह हमारे पास क्या बन गया एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बन गई उसके बाद हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं सेकेंड है हमारे पास सारा स्टूड बिहाइंड चेयर ये कौन सा सेंटेंस है इसमें देखें हमारे पास स्टैंड की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है स्टूड जिन सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हो वो हमारे पास पास्ट के सेंटेंस होते हैं इनको हम क्वेश्चन में कैसे चेंज कर सकते हैं आपने याद रखना है कि जिन सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगी उनको क्वेश्चन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे उनको क्वेश्चन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे ठीक है और उसके बाद प्लस सेंटेंस के स्टार्ट पर हम डिड का यूज़ करेंगे किसका यूज़ करेंगे डिड अब हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं वन और टू फर्स्ट वन हमारे पास कौन सा है कि जिन सेंटेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल हैं होते हैं जैसा कि इज एम आर वॉज़ वर इन सेंटेंसेस को क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे जैसा कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में किया था ही वॉज सेड और वॉज़ को हम शुरू में ले आए वॉज़ ही सेड ठीक है ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला हो गया इसी तरह हमारे पास सेकेंड फॉर्म वाला फार्मूला क्या है जिन सेंटेंसेस में हमारे पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है उनको क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं सेकेंड फॉर्म को पहले फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं जैसा कि यहाँ पर क्या था स्टूड स्टूड की फर्स्ट फॉर्म क्या है स्टैंड ठीक है उसके बाद सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट पर हम क्या यूज़ करते हैं डिड अब मैं आपको ये सेकेंड वाला सेंटेंस सॉल्व करके दिखाऊंगी सारा स्टूड बिहाइंड चेयर फर्स्ट पर हम क्या लगाएंगे मैंने क्या बताया था सबसे पहले हम लगाएंगे डेट बाकी सारा सेंटेंस वैसे लिखेंगे और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे डेट सारा स्टैंड बिहाइंड चेयर क्वेश्चन मार्क ये याद रखना है आपने हमेशा क्वेश्चन स्टेटमेंट के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है ठीक है बच्चों क्या किया हमने स्टूड को चेंज कर दिया फर्स्ट फॉर्म में स्टैंड में और सेंटेंस के स्टार्ट पर हमने डिड यूज किया अब हम थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं अली कॉल्ड हिज मदर कॉल्ड भी हमारे पास क्या है कॉल की सेकंड फॉर्म है इसके भी स्टार्ट पर हम क्या यूज करेंगे डेट अली कॉल्ड है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे कॉल हिज मदर और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे उसके बाद हमारे पास है देयर आर स्वीट एप्पल्स हमने क्या पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब्स आए तो उनको हमने सेंटेंस के स्टार्ट पर ले जाना है आर हमारे पास क्या है हेल्पिंग वर्ब है तो हम क्या करेंगे आर देयर बाकी सारा सेंटेंस वैसे आ जाएगा आर देयर स्वीट एप्पल्स लास्ट पर क्या आएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं आपने बोलना बच्चों उसके बाद है हमारे पास दे वर प्लेइंग वर भी हमारे पास क्या है हेल्पिंग है. वर को भी बिल्कुल उसी तरह हम सेंटेंस के स्टार्ट पर ले आएंगे वर और बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा वर दे प्लेइंग वर दे प्लेइंग और लास्ट पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क क्या किया हमने वर को सेंटेंस के शुरू में लिया है और बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही वर दे प्लेइंग उसके बाद है हमारे पास शी वॉस जम्पिंग ये भी हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है वॉस को हम क्या करेंगे सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे वॉस शी जम्पिंग बाकी सारा सेंटेंस हम वैसे ही लिख देंगे लास्ट पे क्या यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क ही इज स्लीपिंग ये भी हमारे पास बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है इसको आप क्या करेंगे इसको शुरू में ले आएंगे और बाकी सारा सेंटेंस जो है वैसे ही लिखेंगे लास्ट जो फोर हैं बच्चों आपने ये खुद से सॉल्व करने हैं ठीक है उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास एड डिड नॉट या फिर नॉट इन गिवन स्टेटमेंट डिड नॉट या फिर नॉट का इस्तेमाल करना है हमने इन स्टेटमेंट्स में फर्स्ट है हमारे पास शी कॉल्ड मी यहां पर हमारे पास सेकेंड फॉर्म आ गई कॉल्ड तो यहां पर हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे शी डिड नॉट call me. She called me. iska maine kya likha She did not call me. Okay students, did you know why I use did not in this sentence? Now I will tell you why I use did not in this sentence. बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह ऊपर बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमने वहां पर did कहां पर use करना है और helping वो आपका use कैसे करना है question sentence में यहां पर क्वेश्चन नंबर टू में आप लोग देखें जिन सेंटेंसेस में हमारे पास सेकंड फॉर्म का यूज होगा उन सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे डिड नॉट का यूज करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे ठीक है और दूसरा फार्मूला इस केस में हमारे पास क्या है बिल्कुल उसी तरह जिन सेंटेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल हों जैसा कि एस आर एम वॉज और वर इन सेंटेंसेस में हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब के साथ ही क्या इस्तेमाल करेंगे नॉट का इस्तेमाल करेंगे ठीक है उसने हमें क्वेश्चन क्या दिया था कि आपने इन सेंटेंसेस में डिड नॉट को और नॉट को ऐड करना है डिड नॉट हम किन सेंटेंसेस में ऐड करेंगे जहां पर हमारे पास सेकेंड फॉर्म आएगी वहां पर हम डिड नॉट ऐड करेंगे और फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे सेकेंड फॉर्म को उसके बाद जिन सेंटेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे जैसा कि इज एम आर वॉज वर उनमें हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ही नॉट लगा देंगे चले बच्चों हम मिलकर इसे सॉल्व करते हैं सेकेंड है हमारे पास जमाल सोल्व द इयरिंग्स सोल्ड हमारे पास सेल की सेकेंड फॉर्म है क्या लिखेंगे हम यहां पर जमाल डिड नॉट सेल एयरिंग ठीक है स्टूडेंट्स आपको समझ आया उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास जमाल वाइफ क्राइड अलॉट क्राइड भी हमारे पास सेकंड फॉर्म है इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जुमाल्स वाइफ डिड नॉट क्राई अलॉट जुमाल्स वाइफ डिड नॉट क्राई अलॉट उसके बाद फोर्थ वन जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है अली वॉज स्लीपिंग हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे अली वॉज स्लीपिंग इसका हम क्या लिखेंगे अली वॉज नॉट स्लीपिंग अली वॉज नॉट स्लीपिंग फिफ्थ वन है हमारे पास गर्ल्स आर ये भी हमारे पास वाला है, बिल्कुल उसी तरह हम helping verb के साथ not add कर देंगे। स्टूडेंट्स okay, जिस तरह हमने फर्स्ट फाइव सेंटेंसेस सॉल्व किए हैं इसी तरह आपने लास्ट फोर जो हैं, इनको बिल्कुल उन्हीं तरीकों उन्हीं फार्मूलाज़ के मुताबिक जो है सॉल्व करना है ठीक है ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज